पश्चिम बंगाल का आज का कलिम्पोंग शहर लगभग 1056 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है, लेकिन इतिहास में अगर देखा जाए तो ये सिक्किम एम्पायर का हिस्सा था। और सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था, बल्कि ये एक इंडिपेंडेंट मोनार्की थी। उस वक्त की सिक्किम एम्पायर वेस्ट में अरुण नदी से लेकर ईस्ट में ताइगोन पास और नॉर्थ में तिब्बत से लेकर साउथ में पूर्णिया तक फैली हुई थी। और एक ऐसा भी वक्त था जब आज का पश्चिम बंगाल का कलिम्पोंग शहर भूटान का पार्ट था। और ये कब हुआ था, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप सभी का द कॉर्ड में स्वागत है। आज का कलिम्पोंग शहर, दार्जिलिंग, यहां तक कि सिलीगुड़ी भी उस वक्त तक द किंगडम ऑफ सिक्किम का हिस्सा हुआ करते थे। सिक्किमीज किंगडम, जिसे क्लासिक टिबेटन लैंग्वेज में ड्रेमोशोंग या ड्रेनजोंग भी कहा जाता था, इट वॉज रूल्ड बाय 3 मेजर कम्युनिटीज। लेपचास, जो स्वयं को रोंग कहा करते थे, भुटियास और तीसरे लिम्बूस। ऐसा कहा जाता है कि सिक्किम के पहले छोग्याल फुनसोक नामग्याल ने सिक्किम पर एक सशक्त शासन प्रणाली की नींव रखी थी और उनके क्षेत्रों में कलिम्पोंग भी एक हिस्सा था। कलिम्पोंग नाम की उत्पत्ति की अगर बात की जाए तो इस शब्द के अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग मीनिंग निकलते हैं। वहां के कुछ लोकल्स का कहना है कि ये तिब्बतीय भाषा के एक शब्द काफले फुंग से डिराइव किया गया है, जिसका अर्थ होता है शेप्ड लाइक अ फोरहेड, यानी माथे की तरह शेप्ड जगह। हालांकि ऐसा भी कहा जाता है कि लेपचा लोग इसे कुंदेबुंग कहा करते थे, जिसके मीनिंग को रिलेट किया जाता है पॉलीगोनम प्लांट से, जिसे नेपाली भाषा में थोतने कहा जाता है। काफलेफुंग और कुंदेबुंग मिलकर कलिम्पोंग शब्द बना, ऐसा वहां के कुछ लोगों का कहना है। वैसे देखा जाए तो लेपचा भाषा में कलिम्पोंग शब्द का अर्थ होता है रिजेस वेर वी प्ले, यानी कि वो चोटी जहां हम खेला करते हैं। और इसके पीछे भी एक कारण है। भूटान के रूलर्स के शासन में वहां के दालिम और दामसांग किलो से ऑफिसर्स टैक्स लेने के लिए आया करते थे। कलिम्पोंग निवासी उनके स्वागत में स्पोर्ट्स कंटेस्ट और इवेंट्स ऑर्गेनाइज किया करते थे, जिस वजह से कलिम्पोंग नाम का अर्थ बनता है रिजेस वेर वी प्ले। तिब्बतीय भाषा में कलिम्पोंग शब्द का अर्थ रफली ट्रांसलेट होता है विद अ मीनिंग स्टॉकेड ऑफ किंग्स मिनिस्टर्स। स्टॉकेड, लकड़ी के उन बाड़ों को कहा जाता है जो एक क्षेत्र की बाउंड्रीज पर लगाए जाते हैं। कोलोन शब्द, ल्हासा तिब्बत में दलाई लामा की गवर्नमेंट द्वारा हाई रैंकिंग मिनिस्टर्स के लिए उपयोग किया जाता है। और पोंग का अर्थ होता है स्टॉकेड। वैसे एक किताब है द अनटोल्ड एंड अननोन रियलिटी अबाउट द लेपचाज, जिसके ऑथर केपी तामसांग, वो लिखते हैं कि कलिम्पोंग कालिनपुंग शब्द से बना है, KALENPUNG। ये शब्द, जिसका लेपचा भाषा में अर्थ होता है हिलक ऑफ असेंबलेज, यानी एक ऐसी पहाड़ी जहां गैदरिंग्स होती हैं। अब चलते हैं हिस्ट्री की तरफ। सिक्किम के शासक फुनसोक नामग्याल के बाद उनके बेटे तेनसुंग नामग्याल ने 1670 में राजगद्दी संभाली और अपनी राजधानी को राबदेनसे में शिफ्ट किया। वो सभी कम्युनिटीज से अच्छा रिलेशन बनाकर रखना चाहते थे, ताकि जरूरत के वक्त में उनको सभी कम्युनिटीज का सपोर्ट मिले, जिससे कि उन्हें रूल करना आसान हो जाए। ऐसा हर कोई शासक करता है। इसलिए तेनसुंग ने इसका हल निकाला शादियों से। तेनसुंग ने 3 शादियां की। पहली पत्नी एक टिबेटन थी, दूसरी भूटानीज और तीसरी लिंबू समुदाय की। साल 1700 में उनकी मृत्यु हो जाती है और वो छोड़कर जाते हैं 3 पत्नियां और 4 बच्चे। उनकी पहली पत्नी नेम्बी एनमो, उनकी एक बेटी थी पेंदी आमो, दूसरी पत्नी का नाम था लाचम पेमा पुटिक, जो कि एक मिड रैंक नोबल
डेमाजामसार की बेटी थी। ये एक फैमिली थी जो साउथ तिब्बत के नॉर्थ वेस्ट सिक्किम के टिंकीजोंग नाम की जगह से बिलोंग करते थे। लाचम और टेंसुंग के एक बेटे थे छदोर नामग्याल, जो कि आगे जाकर राजा बनते हैं। तीसरी पत्नी एक लिंबू राजकुमारी थी जिनका नाम था योंग योंग हांग, जो कि एक लिंबू राजा योयो हांग की बेटी थी। हांग रूल करते थे अरुण वैली में, जो कि उस समय सिक्किम का हिस्सा था। योंग हांग का एक बेटा शालनो गुरु और एक बेटी पेंदी शेरिंग गेनू थे। ऐसा कहा जाता है कि जब वे शादी के बाद सिक्किम आई थी तो अन्य सात लिंबू महिलाओं के साथ आई थी, और जब उनसे पूछा गया था कि वे कहाँ जा रही हैं तो वे रिप्लाई दिया करती थी सुखिम, यानी कि एक नई जगह। और हो सकता है यही सुखिम बाद में जाकर सिक्किम नाम का ओरिजिन हुआ। जब 1700 में तेनसुंग नामग्याल की मृत्यु होती है तो पारिवारिक झगड़े होने लग जाते इस बात को लेकर कि सिक्किम की राजगद्दी पर अब कौन विराजमान होगा। पेंदी आमो गद्दी पर अपना हक बताती है क्योंकि वो सभी भाई बहनों में सबसे बड़ी होती है और उनकी मां राजा की पहली पत्नी होती है। लेकिन राजा बना दिया जाता है छदोर नामग्याल को मात्र 14 साल की उम्र में। छदोर नामग्याल सिक्किम की छोग्याल डायनेस्टी के तीसरे राजा बनते हैं, जिस वजह आक्रोश की भावना डेवलप होती है पेंदी आमो में, जो कि भूटान की मदद से सिक्किम पर अटैक करने का प्लान करती है। पेंदी के इस षड्यंत्र की भनक लगते ही राजा के एक लॉयल मिनिस्टर युंगथिंग येशे राजा को लेकर लासा चले जाते हैं, और भूटान के देव राजा देव नाकू जिदार अपनी एक फौज भेजते हैं सिक्किम में और राजधानी राबदेनसे को सीज कर लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब राजा छदोर नामग्याल तिब्बत में थे तो उन्होंने छठे दलाई लामा सांगयांग ग्यात्सो के अंडर रहकर अपनी पढ़ाई पूरी की। दलाई लामा ने उन्हें कुछ गांव भी भेंट स्वरूप दिए जो कि अगले 200 सालों तक सिक्किम के शासकों के अधीन रहे। दूसरी तरफ जब भूटान की फोर्सेस ने राबदेनसे पैलेस को हथिया लिया था तो उन्होंने मिनिस्टर युंगथिंग येशे के बेटे को बंदी बना लिया था, लेकिन फिर तिब्बत के इंटरवेंशन के कारण भूटान के राजा विड्रॉ करके वापस चले जाते और छदोर नामग्याल बाकी की भूटनीस फोर्सेस को भी हटा देते। इसी बीच एक बार फिर भूटान की फोर्सेस अटैक करती है सिक्किम पर और छदोर उनका डटकर मुकाबला करते हैं, लेकिन उनके हाथों से दो जगह चली जाती है, एक रेनोक और दूसरा कलिम्पोंग। छदोर जो कि बहुत ही धार्मिक होते हैं, ही टुक स्टेप्स टू फ्लॉरिश द बुद्धिस्ट रिलीजन इन हिज टेरिटरी। वो ऑर्डर देते हैं कि हर भुटिया फैमिली के 3 बेटों में से दूसरे बेटे को पेमियोंगची मोनास्ट्री का मॉन्क बनना पड़ेगा। वे 1715 में गुरु लाखंग ताशिदिंग मोनास्ट्री का निर्माण करवाते हैं, जो कि आज सिक्किम राज्य की एक महत्वपूर्ण मोनास्ट्री है जिसे हार्ट ऑफ सिक्किम भी कहा जाता है। इसके अलावा वे कई सीक्रेट जगहों को पेट्रोनाइज करते हैं और लेपचाज के लिए अल्फाबेट्स भी इन्वेंट करते हैं। हालांकि छदोर की बहन पेंदी आमो अब भी खुश नहीं होती। वो फिर से एक प्लान बनाती है राजा की हत्या करने के लिए, जिसके लिए वो एक टिबेटन डॉक्टर के साथ मिलकर 1716 में रालंग हॉट वाटर स्प्रिंग में राजा छदोर की हत्या कर देती है। नामची में आर्मी को भेजा जाता है और उस टिबेटन डॉक्टर को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। साथ ही पेंदी आमो को भी अपने कर्मों की सजा मिलती है डेथ से। कई हिस्टोरियंस का ऐसा कहना है कि 1707 में जब छदोर नामग्याल सिक्किम आए थे तब भूटान की फोर्सेस को टीस्टा नदी के दाहिने छोर से विड्रॉ करना पड़ा था। हालांकि तब भी वे सभी बाएं छोर पर अपना कंट्रोल बनाए हुए थे।
एक सोर्स से ऐसा भी पता चलता है कि टिबेटन गवर्नमेंट ने भूटान को एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें उनकी डिमांड थी कि सिक्किम और भूटान के बीच शांति स्थापित की जाए और छदोर को राजगद्दी पुनः दी जाए। उस चिट्ठी में लिखा गया था कि टिबेटन्स पिता हैं, भूटनीस माँ हैं और सिक्किम उनके बच्चे, और इसलिए ये तीनों एक फैमिली है और तीनों में शांति बेहद जरूरी है। टिबेटन गवर्नमेंट के इस सुझाव से खुश होकर ही भूटान गवर्नमेंट ने सिक्किम से स्वयं ही विड्रॉ कर लिया था, ऐसा माना जाता है। लेकिन ये विड्रॉल ऑफ फोर्सेस पूरा नहीं हुआ था। जिन क्षेत्रों से भूटान की फोर्सेस ने विड्रॉ किया था वो प्रेजेंट डे सिक्किम का थोड़ा सा ही हिस्सा था, लेकिन प्रेजेंट डे कलिम्पोंग में भूटान ने अपना शासन बना कर रखा था। सूत्रों में डेट्स क्लियर नहीं पता चलती हैं, फिर भी ये इन्वेजन और विड्रॉल 1700 से 1707 के बीच हुआ था, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। और इन्हीं सर्कमस्टांसेस के कारण प्रेजेंट डे कलिम्पोंग भूटान के अंडर आ जाता है। भूटान के शासक कलिम्पोंग को दामसोंग किले से कंट्रोल करते हैं जो कि ज़ोंगपेन यानी कि कमांडर ऑफ दालिम फोर्ट के अंडर होता है। दामसोंग के ऑफिसर्स को नेबू यानी कि फोर्ट इंचार्ज का टाइटल दिया जाता है। दालिम किला आज गोरुबथान के करीब अम्बियोक टी गार्डन के पास है। भूटान एम्पायर कलिम्पोंग में अगले 160 सालों तक रहती है और 11 नवंबर 1865 में ब्रिटिश एंग्लो भूटान वॉर के बाद ट्रीटी ऑफ सिंचुला के जरिए कलिम्पोंग को अपनी एम्पायर में एनेक्स कर लेते हैं। हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। उत्तर बंगाल और सिक्किम क्षेत्र से ऐसे कई विषय लेकर हम आपके साथ बने रहेंगे। शुक्रिया।